हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो एग्जिट एग्जाम की सीरीज चल रही है उसमें आगे के क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं जो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड रखते हैं। तो बिना देरी किए, बिना स्किप किए इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 51 नंबर क्वेश्चन। द मोस्ट कॉमन एंड कन्वेंशनल बैलेंस यूज इन द फार्मेसी इज पॉज, क्लास बी, क्लास ए, क्लास सी, क्लास सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लास बी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। इसमें क्या पूछा गया है, अ ट्रेडिशनल ब्लैंक रखा है, डिस्पेंसिंग बीम बैलेंस इज स्टाम्प्ड विद ए मैक्सिमम वेरिएबल क्वांटिटी ऑफ 25 ग्राम एंड अ मिनिमम वेरिएबल क्वांटिटी ऑफ 100 मिलीग्राम, क्लास सेकेंड, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लास सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। द स्केल पिन ऑफ इज मेड अप ऑफ मेटल व्हिच वाज अर्लियर मेड ऑफ ग्लास, क्लास सेकेंड, इलेक्ट्रॉनिक फार्मेसी बैलेंस, क्लास बी, सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक फार्मेसी बैलेंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। विच वन इज नॉट अ पॉसिबल एरर इन बेइंग, जीरो एरर्स, लाइनरिटी, सेंसिटिविटी एरर्स, ड्यूरेबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्यूरेबिलिटी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। ब्लैंक दे रखा है, कैन बी टेस्टेड बाई बेइंग अ नंबर ऑफ टेस्ट बिट्स ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू अप टू अ मैक्सिमम कैपेसिटी एंड देन प्लॉटिंग देम ऑन ए ग्राफ एज पॉइंट्स, लाइनरिटी, एक्यूरेसी, टॉलरेंस, प्रेसिशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइनरिटी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। इन द फॉर्मूला एल डब्ल्यू क्यू इक्वल सेंसिटिविटी अपॉन परसेंट एरर टॉलरेटेड इनटू 100%, एल डब्ल्यू क्यू स्टैंड्स फॉर। दोस्तों, एल डब्ल्यू क्यू का क्या मीन्स है, उसकी क्या फुल फॉर्म है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। लास्ट वर्ड कोट, लीस्ट वेरिएबल कोटेशन, लीस्ट वेरिएबल क्वांटिटी, लास्ट वेरिएबल क्वालिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीस्ट वेरिएबल क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। द ब्लैंक दरका है ऑफ बेइंग इज यूज टू ऑब्टेन द डिजायर्ड अमाउंट विद रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, बेइंग मेथड, एलीकोट मेथड, स्केलिंग मेथड और स्क्रैपिंग मेथड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलीकोट मेथड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स अलाउ अ टॉलरेंस ऑफ ओनली ब्लैंक दे रखा है एरर 15%, 20%, 5%, 25% एरर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5% एरर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। ब्लैंक दे रखा है एरर्स रिजल्ट व्हेन द बेइंग कर्व शिफ्ट्स बाय अ कांस्टेंट अमाउंट, सेंसिटिविटी एरर, जीरो एरर, रेजिस्टेंस एरर, ड्यूरेबिलिटी एरर। तो इसका राइट आंसर हो जाता है जीरो एरर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। द मिनिमम वेरिएबल क्वांटिटी फॉर क्लास बी बैलेंस इज 1 mg, 10 mg, 5 mg, 100 mg। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100 mg इज द राइट आंसर। जो दोस्तों क्लास बी के लिए जो बैलेंस क्वांटिटी है बेबल की, वो 100 mg होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने फार्मास्यूटिक्स के टॉप 10 MCQ कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।